सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जमुआ पूर्वी क्षेत्र के कुरोहविंदो पंचायत में उत्क्रमिक मध्य विद्यालय कुरोहविंदो के विद्यालय प्रांगण में छात्र छात्राओं व शिक्षकों के पेयजल के लिए लगाए गए चापानल में ही जेट पंप के जरिए टंकी में पानी भरकर अनेक नल के जरिए छात्र छात्राओं की पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन रविवार की रात्रि में चोरों ने चापाकल का मुंडी व जेट पंप का पाइप तोड़कर उचक के ले उड़े। स्कूल प्रभारी द्वारिका रजक ने बताया कि उनके स्कूल में लगातार उचक्कों के द्वारा चोरी की जा रही है, लेकिन नौडीहा ओपी थाना प्रभारी को कई बार आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। दिनांक 9 जनवरी 2021 को किसी अज्ञात चोरों ने चापाकल को उखाड़ कर ले गया। इस तरह चोरी का वारदात यहां बराबर होते रहता है। दरअसल मैं अगले साल पुनः विद्यालय परिसर से थाना तक पहुंचे, थाना प्रभारी महोदय मौजूद थे, उन्हें आवेदन दिया गया और वे लोग जब भी यहाँ आते हैं चोरी का मसला बंद नहीं हो पा रहा है। इसके पहले भी दो बार हम लोग आवेदन दिए हुए हैं और यहाँ के कैसे लोग हैं हमें उम्मीद नहीं बताई जा रही है कि लोग पानी पीने के लिए तंग किया जा रहा है। विद्यालय सार्वजनिक संपत्ति होता है, ये सभी को कल्याण के लिए होता है। ये तो दुनिया में सबसे बड़ा अनुपम और सरताज विद्यालय होता है। विद्यालय को अग्रसर विकास हेतु यहाँ के तमाम जनताओं को, छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को अग्रसाहित होना होगा और कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पर जो भी चोरी वगैरह बराबर होते रहता है इसे बंद करने अभी फिलहाल में